हेलो बच्चों, वेलकम टू राजेश्वरी चौहान क्लासेस। टुडे वी विल कंटिन्यू जनरल साइंस ऑफ स्टैंडर्ड 7। नाउ द लेसन नंबर 3, प्रॉपर्टीज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। दिस लेसन ऑलरेडी आई हैव स्टार्टेड एंड हैव कंप्लीटेड 2 लेक्चर ऑफ दिस लेसन। नाउ इन दिस वीडियो आई विल स्टार्ट सॉइल। मैंने सॉइल लिया नहीं था क्योंकि सॉइल एक पूरा अलग से एक टॉपिक है, तो इसीलिए मैंने कहा था कि मैं इसे अलग से पूरा सेपरेटली स्टार्ट करूंगी, क्योंकि वाटर के साथ में और वाटर के प्रॉपर्टी के साथ में उसे मुझे मिक्स नहीं करना था। तो आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट अलग से पता चलना चाहिए, समझ में आना चाहिए, इसीलिए मैं आज सॉइल स्टार्ट कर रही हूँ। तो बच्चों, अगर आप लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप नए हो इस चैनल पर, तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करो। आप लोगों को इसमें सारे सब्जेक्ट के सारे वीडियोज क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे। सो नाउ वी विल कंटिन्यू अबाउट द सॉइल। So let's recall. So what is given here in recall? We will see what is meant by soil and how is soil form. तो हमने बहुत पहले सीखा हुआ है 4th standard में, 5th standard में, कि soil form होने के लिए it take a thousands of year to form a 2.5 centimeter layer of thick layer of soil. तो soil बनने के लिए thousands of year लगते हैं, तब जाकर 2.5 सेंटीमीटर का एक लेयर बनता है सॉइल का। मतलब कितना थिन लेयर है, उतना बनने के लिए थाउजेंड्स ऑफ ईयर लगते हैं। और हवा आते ही चुटकी बजाते पूरा जो सॉइल है उड़कर चला जाता है। सॉइल वहां से एक जगह से दूसरे जगह पर चला जाता है, या समटाइम्स बहुत जोर से बरसात आती है, पूरा सॉइल फ्लो होकर चला जाता है पानी के साथ में। तो देखो, रेडी होने में इतना टाइम लग रहा है, बट उसे वहां से वैनिश होने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है। सो देयरफॉर वी हैव टू टेक केयर। देन व्हाट आर द इंग्रेडिएंट्स ऑफ सॉइल? सो हियर वी कुड सी। तो ये क्वेश्चंस के हमें यहाँ पर भी थोड़े आंसर्स मिल जाएंगे। सो लेट स्टार्ट। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। प्रॉपर्टीज मतलब क्या होता है? कोई भी चीज का प्रॉपर्टी मतलब उस चीज के बारे में हम उसका इम्पोर्टेंस क्या है ना। दिस इज पेन। तो व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ पेन? तो सबसे पहले तो मैं बताऊं कि ये पेन ब्लू कलर का है, ठीक है। सो दिस इज द वन वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ दिस पेन। तो इससे आप लोगों को पता चल गया होगा कि प्रॉपर्टीज क्या होते हैं। सो नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। द कलर इज एन इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल, क्योंकि कलर से ही पता चलता है हमें रेड कलर का सॉइल है, ब्लैक कलर सॉइल है। कोई कोई जो इन्ग्रीडियंट है, हम जब हम उसे सो करते हैं, जो कोई भी ग्रेन सो करते हैं, सो क्या होता है करने के बाद, वो जो कलर के सॉइल में अगर वो ग्रोथ हो सकता है। जैसे मैं आप लोगों को एग्जांपल दे दूं, जैसे जो कॉटन है, कापूस जिसे कहते हैं मराठी में, और या कपास कहेंगे हिंदी में, अगर हम वो देखेंगे तो वो कौन से सॉइल में ग्रो होता है? ब्लैक सॉइल में। तो आप उसे रेड सॉइल में प्लांट करोगे तो वहां पर उसका ग्रोथ अच्छे से नहीं होगा। जो फ्लफी बनते हैं कॉटन, इस तरह से उसके बर्ड बनेंगे नहीं, ठीक है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। The soil gets its color as a result of several processes. The color of soil near land surface is darker than the color of the lower layer. मतलब जो ऊपर का लेयर है वो डार्क रहेगा और नीचे का लेयर जो है वो क्या होगा, वो थोड़ा उससे भी कम रहेगा कलर में, ठीक है। The soil may be different color such as black, red, copper, yellow, grey. ये सब soil के color दिए हैं, तो आप underline भी इसे करके रख दो। सो डिफरेंट कलर ऑफ सॉइल, क्योंकि अभी जो 2020 में अभी क्या चल रहा है, लॉकडाउन की वजह से पेपर सब एग्जाम सब स्कूल में नहीं हो रहे हैं, तो ऑनलाइन एग्जाम्स हो रहे हैं। ऑनलाइन होने की वजह से आप लोगों को मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस आ रहे हैं, मतलब MCQs देते हैं, उसमें ऑप्शंस रहते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग ये सबको अंडरलाइन करके रखोगे तो यू कैन बी रेडी फॉर योर MCQ एग्जामिनेशन। अभी जल्दी ही हमारा सेकेंड टर्म, जो फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन है, वो स्टार्ट हो जाएगा और आप लोगों को फिर आंसर्स फाइंड करने में भी डिफिकल्टी नहीं होगी। द कलर्स ऑफ सॉइल्स आर यूजफुल फॉर इट्स क्लासिफिकेशन। बिसाइड्स दे आर इनडायरेक्टली यूजफुल इन इंडिकेटिंग सेवरल प्रॉपर्टीज ऑफ द लैंड। तो लैंड के जो, देखो द कलर ऑफ द सॉइल क्या है, बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। फिर इसके वजह से हम कलर के वजह से उसे क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, मतलब उसे हम सेपरेट कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं। सो इन दिस वे द प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉइल सच एज इट्स फर्टिलिटी, ड्रेनेज ऑफ वाटर, कैपेसिटी टू होल्ड वाटर,
बिकम क्लियर फ्रॉम इट्स कलर। तो ग्रे कलर अगर देखोगे आप तो ग्रे कलर का क्या होता है, सैंड होता है। तो सैंड अगर आप लोगे हाथ में और उसमें पानी डालोगे तो क्या हो जाएगा, पानी निकल के जाएगा नीचे और सैंड फिर से थोड़े टाइम में ड्राई हो जाएगा। लेकिन आप चिकनी मिट्टी लो, रेड कलर की मिट्टी लो, उसे हाथ में लो, उसमें पानी डालो तो पूरी वो अपने हाथ पर फैलेगी और हाथ देखोगे पूरा चिकना हो जाएगा मिट्टी से, क्योंकि उसका पानी जो है पूरा मिट्टी में होल्ड हो गया है, मिट्टी ने पूरे पानी को एब्जॉर्ब कर लिया है। ठीक है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज होते हैं उसके। द कलर ऑफ द सॉइल डिपेंड्स अपॉन इट टेक्सचर एंड इट्स ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट एज वेल एज ऑन केमिकल इंग्रेडिएंट लाइक आयरन लाइम। तो आयरन लाइम ये भी सब क्या होते हैं, सॉइल में भी प्रेजेंट होते हैं। नाउ हियर इज गिवन वन एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, ट्राई दिस एपरेटस। एपरेटस मतलब क्या है, इसके लिए हमें कौन सा सामान लगेगा, तो उसे हम कहते हैं एपरेटस। तो क्या क्या लगेगा यहाँ पर देखो, थ्री दिया है सिलेंडर, सो थ्री मेजरिंग सिलेंडर्स, थ्री ग्लास फनल, ये जो है यहाँ पर जिससे देखो पानी डालने के लिए या शरबत वाले के पास या फिर जूस वाले के पास भी फनल्स होते हैं, क्योंकि उसमें से वो नीचे बराबर से फ्लो करवा सकते हैं। ठीक है, सो द फनल्स, द फिल्टर पेपर, वाटर फाइन सैंड, वाटर फाइन सैंड, फाइन सैंड मतलब पतला वाला सैंड, देन द कोर सैंड, कोर सैंड मतलब जो जाड़ा होता है मट्टी, जैसे रेती होती है घर बनाने के लिए जब सीमेंट लाते हैं उसके साथ रेती भी आती है ना, तो वो कैसी होती है, कोर सैंड रहती है। सॉइल फ्रॉम एन अर्थन पॉट यूज फॉर ग्रोइंग प्लांट एक्सेट्रा, मतलब अगर आप देखोगे तो झाड़ लगाने के लिए जो हम मट्टी यूज करते हैं वो मट्टी लेनी है। तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हमें क्या लेने हैं, सॉइल लेने हैं। प्रोसीजर क्या है करने का भी, जैसे प्रोसीजर इसका, फिट कोन्स ऑफ द फिल्टर पेपर इन द थ्री ग्लास फनल्स, फिल द कोन्स विथ इक्वल क्वांटिटीज ऑफ ए सैंड। अब यहाँ पर देखो ए बी सी दिया है ना, तो ए में क्या भरना है, सैंड, बी में भरना है सैंडी सॉइल एंड सी में भरना है क्ले रिस्पेक्टिवली, मतलब जैसे दिया है लाइन से वैसे ही आप भरो। ठीक है, उसके बाद दिया है प्लेस द फनल्स ऑन द मेजरिंग सिलेंडर, इसके ऊपर हमें रखना है फनल, देन पोर वन टेस्ट ट्यूब ऑफ वाटर इनटू ईच ऑफ द फनल एंड ऑब्जर्व हाउ मच वाटर इज कलेक्टेड इन ईच मेजरिंग सिलेंडर, व्हाट इंटरफेरेंस विल यू ड्रॉ फ्रॉम दिस। तो अभी अगर आप देखोगे यहाँ पर क्या दिया है, फर्स्ट में सैंड है ना, सैंड, तो सैंड में जब पानी डाला हुआ है तो वो पूरा पानी नीचे फ्लो हो गया है, बिकॉज सैंड जो होता है वो वाटर को होल्ड नहीं करता है। देन ऑल्सो सेकेंड वी हैव द क्ले, सॉरी सेकेंड वी हैव सैंडी सॉइल, ये सैंड है, ये सैंडी सॉइल है, तो मतलब जो जाड़ी मट्टी होती है वो दी गई है। तो उसके अगर देखोगे आप तो इसमें भी हुआ है, पानी नीचे गया है, थोड़ा सा होल्ड किया है और इसका लेवल देखोगे तो इससे थोड़ा कम है। लेकिन अगर आप थर्ड नंबर देखोगे जो क्ले है, मतलब बहुत चिकनी मट्टी है वहां पर, वो चिकनी मट्टी क्या करेगी, पूरा पानी को एब्जॉर्ब करेगी और वो इसीलिए ज्यादा पानी नीचे नहीं गया है। तो हम यहाँ पर ये देख सकते हैं कि सैंड में बहुत पानी का कैपेसिटी होल्ड करना नहीं है। ओके, नाउ सॉइल टेक्सचर, द सॉइल कंटेन्स पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट साइज, मतलब सॉइल भी क्या होते हैं, डिफरेंट साइज के उसके पार्टिकल्स होते हैं। अगर आपके पास सैंड है तो उसे उठाकर देखो हाथ में, कैसे लगेगा, जैसे हम नमक लेते हैं ना, हाँ जो बारीक नमक मिलता है उस तरह से लगेगा। और अगर आप रेत देखोगे कहीं पर, घर का काम चालू है तो आप वहां जाके रेत देखो, तो रेत हाथ में पकड़ोगे तो इतनी जाड़ी जाड़ी है, मोटी मोटी है, तो अलग अलग टाइप का। और अगर लाल मिट्टी देखोगे तो वो हाथ पर ऐसे घुमाओगे तो क्या होगा, हाथ पे चिपकेगी, लेकिन सैंड आप झटको तो नीचे गिर जाएगा, मतलब टेक्सचर उसका अलग अलग है। द टेक्सचर ऑफ द सॉइल इज डिटरमाइंड बाय द प्रोपोर्शंस ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द वेरियस साइज इन इट, फॉलोइंग्स आर द टाइप्स ऑफ सॉइल ऑन द बेसिस ऑफ इट टेक्सचर। तो यहाँ पे सॉइल के हमें नेम दिए हैं, सैंडी सॉइल, सिल्ट सॉइल एंड क्ले सॉइल। तो यहाँ पर देख सकते हो आप लोग, ये सैंडी सॉइल है, ये सिल्ट सॉइल है और ये क्ले सॉइल है। सो व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ दिस सैंडी सॉइल, द प्रॉपर्टीज ऑफ सैंड दैट इज द लार्ज पार्टिकल्स इज हाई इन सैंडी सॉइल,
द वॉटर ड्रेन्स रैपिडली थ्रू सैंडी सॉइल, मतलब पानी जल्दी से ड्रेन हो जाता है, मतलब निकल जाता है. तो ड्रेन का मतलब क्या है, पानी निकल जाता है जल्दी से. एंड इट इज इजी टू प्लग दिस सॉइल, और इस सॉइल में अगर देखोगे आप, अगर आप कभी सी फेस पर जाते हो जहाँ पर समुन्दर है, तो वहाँ की रेत पर आप चाहोगे तो आप आराम से उसके ऊपर हाथ घुमाओ तो पूरी मट्टी हमारे हाथ से साइड में जाएगी. लेकिन वही अगर आप किसी जगह पर बहुत सारी रेड लाल मट्टी है या ब्लैक मट्टी है वहाँ पर जाओ और हाथ घुमाओ तो क्या हो जाएगा, मट्टी हाथ में चिपकेगी लेकिन आगे हाथ जल्दी नहीं जाएगा, क्योंकि उसका टेक्सचर कैसा है, ये कैसे है, इसमें से वाटर ड्रेन हो जाता है, मतलब इसकी कैपेसिटी जो है होल्डिंग वाटर की कम है और ये स्टिकी नहीं है इसीलिए. एंड इट इज इजी टू प्लग दिस सॉइल बट इट इज लेस फर्टाइल, लेकिन इसमें क्या होता है, वाटर ज्यादा होल्ड नहीं होगा तो जो प्लांट्स हम उसके अंदर ग्रो करेंगे उसे पानी जल्दी नहीं मिलेगा, क्योंकि पानी तो सब ड्रेन हो गया है तो झाड़ सूख जाएगा ना, इसीलिए यहाँ पर ज्यादा प्लांट्स नहीं ग्रो होते हैं. दिस इज बिकॉज द पार्टिकल्स ऑफ द सैंडी सॉइल्स आर मेड ऑफ द मिनरल कॉल द सिलिकॉन डाइऑक्साइड दैट इज क्वार्ट्ज. सिलिकॉन डाइऑक्साइड मतलब क्वार्ट्ज है, ये भी देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी आप लोगों के एग्जाम में आ सकता है एमसीक्यू में, ठीक है. फिर सैंडी सॉइल ऐसे भी आ सकता है दैट नॉट इजी टू प्लग, प्लग दिस सॉइल, तो विच सॉइल इज नॉट इजी टू प्लग, तो ऑप्शन में रहेगा सैंडी सॉइल, सिल्ट सॉइल, क्ले सॉइल, तो आपको सैंडी सॉइल में टिक करना है, ठीक है. मतलब समझ रहे हो कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं. ओके, सो दिस पार्टिकल्स डू नॉट डिजॉल्व इन वॉटर एंड देयरफॉर द सॉइल हैज वेरी लिटिल कैपेसिटी टू सप्लाई न्यूट्रिएंट, और इसीलिए अगर वाटर नहीं आएगा, क्योंकि वाटर से ही तो न्यूट्रिएंट मिलते हैं, वाटर क्या करता है न्यूट्रिएंट को अपने अंदर से एब्जॉर्ब करता है, और वही जो न्यूट्रिएंट है जो सॉइल ये होते हैं रूट्स होते हैं वो वाटर से एब्जॉर्ब करके लेते हैं, बराबर ना. तो यहाँ पर वही अगर वाटर ही ज्यादा नहीं है तो न्यूट्रिएंट कहाँ से आएगा. सिल्ट सॉइल देखो, द पार्टिकल्स ऑफ सिल्ट सॉइल्स आर ऑफ मीडियम साइज, मीडियम साइज के ना जाड़े हैं ना पतले हैं, ये मीडियम है. द सिल्ट सॉइल इज नॉट एज प्लगेबल एज सैंडी सॉइल, तो सैंडी सॉइल जैसे जल्दी से प्लग हो जाएगा इतना ये इजीली नहीं होगा. हाउएवर इट इज मच मोर प्लगेबल देन क्ले सॉइल, लेकिन क्ले सॉइल से इसमें अच्छे से हो सकता है और इसमें तो इजीली हो जाएगा. तो ये कैसे है, ये दोनों से ये मिडल है, ठीक है ना, ज्यादा हो सकता है ना कम हो सकता है बट मिडल है. ओके, दिस सॉइल कंटेन्स द लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल, इट्स कैपेसिटी टू सप्लाई न्यूट्रिएंट इज मच ग्रेटर. द सिल्ट सॉइल इज ऑल्सो कॉल्ड सेडिमेंट्री सॉइल, सेडिमेंट्री सॉइल मतलब क्या होता है, सेडिमेंट जो जब पानी बहता है, पानी बहने के बाद क्या होता है, वहां पर जो साइड में पानी के साथ में जो बहकर जाती है मट्टी, वो साइड साइड में बाद में किनारे पर लगती जाती है और दूसरा जो पानी है वो बहकर आगे चला जाता है. तो साइड में जो लगने वाली मट्टी है उसी को हम कहते हैं सेडिमेंट्री सॉइल, तो ये सेडिमेंट सॉइल है. तो ये भी इम्पोर्टेंट है, तो इसे भी टिक मार्क करके रख दो. देखो बहुत सारे हमें यहाँ पर आंसर्स मिल रहे हैं, तो आप इसे आंसर को टिक मार्क करके रखो. और अगर आप लोग चाहो तो मैं एक पेपर भी बनाकर ऐसे टेस्ट के लिए आप लोगों को, मैं थोड़ा टाइम एडजस्ट करके ऐसे भी एक पेपर बनाऊंगी जिसमें मैं आप लोगों को एक एक लेसन के आंसर्स दे दूंगी, जिसमें एमसीक्यूज मैं बनाकर आप लोगों को दूंगी, तो आप लोग उसे सॉल्व भी कर सकते हो. देन सेकेंड थर्ड देखो, क्ले सॉइल, इन दिस सॉइल द प्रोपोर्शन ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स इज मैक्सिमम, स्मॉल पार्टिकल्स क्या है, मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा है, मैक्सिमम मतलब ज्यादा. ओके, द पार्टिकल्स ऑफ द क्ले सॉइल फील स्मूथ टू टच, तो मैंने बताया था बहुत स्मूथ होता है, हाथ पर चिपक भी जाता है. एंड क्ले सॉइल हैज द हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, और इसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सबसे ज्यादा है. तो विच सॉइल हैज द हाई होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ वाटर, इसका आंसर क्या आएगा, यस आंसर कौन सा रहेगा, क्ले सॉइल, तो आपको क्ले सॉइल पे टिक करना है. तो देखो यहाँ पे कितने सारे क्वेश्चंस हमारे अब बनने लगे हैं, तो आप लेसन जब रीड करोगे तो आप खुद से भी क्वेश्चंस बनाओ, टिक मार्क करके रखो, ठीक है. चलो नाउ नेक्स्ट वी विल सी सॉइल स्ट्रक्चर. द सॉइल स्ट्रक्चर, द स्ट्रक्चर ऑफ सॉइल डिपेंड्स अपॉन द डिफरेंट शेप्स एंड द पार्टिकल्स ऑफ इट. द सॉइल ऑक्यूर्स इन द फॉर्म ऑफ द
columnar, then laminar and the granules, as well as the block shape structure. Block shape मतलब जैसे आपके पास वुडन, अगर जब घर बनाते हैं तो क्या लाते हैं, वहां पर ब्रिक्स लाते हैं जिसे हम ईट कहते हैं, मराठी मध्ये आपण म्हणतो वीट. तर ते कसे असतात शेप मध्ये, ते असे ब्लॉक असतात. हां, जैसे माचिस का बॉक्स देखा है, वो कैसा है, ब्लॉक शेप में है ना, तो वो शेप में. ठीक है, सिंपल एग्जांपल. तो नाउ यू कैन सी हियर द डिफरेंसेस. सॉइल स्ट्रक्चर दिया हुआ है, तो ये सॉइल का स्ट्रक्चर कैसा है ना, ये उसका शेप दिया हुआ है यहाँ पर. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सी इम्पॉर्टेंस ऑफ द सॉइल स्ट्रक्चर. द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल डिपेंड अपॉन सॉइल स्ट्रक्चर. तो फर्टिलिटी किसके ऊपर डिपेंड है, डिपेंडिंग ऑन सॉइल स्ट्रक्चर. सो द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल डिपेंड ऑन वॉट इज द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल डिपेंड अपॉन. तो सॉइल, द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल डिपेंड्स अपॉन द सॉइल स्ट्रक्चर. तो ये क्या हो सकता है, इसका प्रॉपर ऑप्शन हो सकता है. तो यहाँ पर भी एक क्वेश्चन मिल गया है. द एडवांटेजेस ऑफ द गुड सॉइल स्ट्रक्चर्स आर एज फॉलोइंग. तो उसके एडवांटेजेस क्या है, उसके फायदे क्या है, यहाँ पर देखेंगे. द रूट्स गेट अ सफिशियंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन. सेकेंड है, द वॉटर ड्रेनेज इज गुड, देयर फॉर द रूट्स ऑफ प्लांट्स ग्रो वेल. तो जो रूट्स है उसके बहुत अच्छे से ग्रो होंगे. ठीक है ना. हियर यूज ऑफ सॉइल, यूजेस क्या दिया है सॉइल के, यूजेस, यूजेस मतलब उसके क्या फायदे हैं. द प्लांट कंजर्वेशन, फर्स्ट क्या दिया है, प्लांट कंजर्वेशन टू हेल्प प्लांट ग्रो. सेकेंड दिया है वॉटर कंजर्वेशन, मीन्स सॉइल होल्ड वॉटर एज अ रिजल्ट बाय मीन्स ऑफ बर्ड्स बर्न्स एंड लेक्स. वी कैन गेट वॉटर फॉर यूज थ्रू आउट द ईयर. देखो मट्टी की वजह से क्या हो रहा है, हम ब्लॉक बना सकते हैं और ब्लॉक बनाकर हम उसका स्ट्रक्चर बना सकते हैं और वो स्ट्रक्चर से पानी को हम होल्ड कर सकते हैं. पानी तो ऐसे होल्ड नहीं होता है, लेकिन अगर हम स्ट्रक्चर बांधेंगे तो यहाँ से पानी आगे नहीं जाएगा, मतलब हम पानी को होल्ड करेंगे और पूरा साल उसे हम यूज कर सकते हैं. सो दैट इज वन यूज. देन वी हैव हियर प्लास्टिसिटी. द सॉइल कैन बी गिवन एनी रिक्वायर्ड शेप. तो सॉइल, जो सॉइल होता है उसे भी हम क्या कर सकते हैं, कोई भी शेप दे सकते हैं. दिस प्रॉपर्टी ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड द प्लास्टिसिटी. बिकॉज ऑफ इट प्लास्टिसिटी वी कैन यूज इट टू मेक आर्टिकल्स ऑफ वराइटी ऑफ शेप. दीज आर्टिकल्स कैन बी बेक टू मेक देम हार्ड. तो हम उसके आर्टिकल्स बना सकते हैं, जैसे मटका आपके घर में पानी का अगर होगा या चाइना के लेके बर्तन होगी, तो ये क्या होते हैं, देखो ये सब ऐसे एकदम एक शेप में बना दिए गए हैं, जैसा शेप चाहिए वो शेप में बना दिए गए हैं. तो वो जो शेप में बनाया है वो प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, उसका प्लास्टिसिटी है. ठीक है, और इसके वजह से ही ये शेप में बनते हैं. और इसे और अच्छा हार्ड बनाने के लिए क्या किया जाता है, इसे बेक किया जाता है. जैसे हम ओवन होता है, ओवन में कोई भी चीज़ हम बेक करने के लिए रखते हैं, वैसे ही एक बड़ा बेक करने वाला ऐसे होता है जिसे जिसमें ये सब जो मटके बनते हैं या पॉट्स बनते हैं, जो मट्टी की चीजें हैं उसे डालते हैं और बेक करते हैं, जैसे वो स्ट्रांग और हार्ड बन जाएंगे. और जिस वजह से क्या हो जाता है, वो हार्ड होने के बाद ना उसमें अगर आप पानी भी भरोगे तो क्या होता है, मट्टी रहकर भी वो फ्लो नहीं होती है उसमें से. क्योंकि देखो आपके घर में मटका अगर होगा तो मटके में तो पानी ही भरते हैं ना, लेकिन पानी तो फ्लो नहीं होता है उसमें से, ना कहीं से लीक होता है, क्योंकि वो बेक किए हुए होते हैं. द वॉटर स्टोरेज अर्थन पॉट्स, अर्थन लैम्प्स, आइडल, जो मूर्तियां बनती है, जैसे गणेश जी की मूर्ति, अभी देवी आने वाली है, देवी की मूर्ति, ये सब किससे बनते हैं, मट्टी से ही बनते हैं. ब्रिक्स, ये ब्रिक्स हैं, एक्सेट्रा आर आर्टिकल्स मेड फ्रॉम सॉइल. तो ये सब सॉइल से ही बनते हैं. नाउ नेक्स्ट वी हैव सम यूजफुल टाइप्स ऑफ सॉइल. तो यहाँ पर हमें सॉइल के डिफरेंट डिफरेंट यूजफुल टाइप दिए हैं. चाइना क्ले, हाँ, इसे हम कहेंगे कुलिन. इट इज द वाइट इन कलर, इट इज यूज टू मेक क्रॉकरी. जैसे क्रॉकरी, यहाँ पर देखो एक कप और सॉसर दिया गया है. तो ये सब ऐसी जो इस मटेरियल से बनने वाली जो चीजें हैं उसे क्या कहते हैं, क्रॉकरी कहते हैं. जैसे प्लेट्स होते हैं, चम्मच होते हैं क्रॉकरी के. देन बाथरूम टाइल्स, टाइल्स लगाए जाते हैं किचन में, टाइल्स जो होते हैं वो सब किससे बनते हैं, चाइना क्ले से.
देन टैंक्स, लेबोरेटरी, एपरेटस, जो लैब में यूज होने वाले चीजें होती है, एपरेटस है, उसे भी क्या किससे बनाया जाता है, चाइना क्ले से, मास्क, जार्स एक्सेट्रा। देन शाडू सॉइल, शाडू सॉइल से गणपति जी की मूर्तियां बनाई जाती है, हाँ, जो पानी में जल्दी से क्या हो जाता है, पानी में जब विसर्जन किया जाता है तब वो पानी में अच्छे से घुल जाती है, इसीलिए शाडू सॉइल से बनाते हैं ज्यादातर। तो इट इज द वाइटिश इन कलर, इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग स्टैचूज एंड आइडल्स, मूर्तियां, ठीक है, मूर्तियां जो बनाते हैं वो। देन द टेराकोटा सॉइल, दिस सॉइल इज रेड इन कलर, डेकोरेटिव आर्टिकल्स एंड पॉट्स यूज्ड फॉर ग्रोइंग प्लांट्स आर मेड फ्रॉम दिस सॉइल। ये तो बहुत सिंपल है, आपको समझ में आ गया होगा कि जो प्लांट के लिए हम पॉट्स बनाते हैं वो टेराकोटा सॉइल से ही बनते हैं, और कौन सी कलर की है, रेड कलर की। सो व्हाट इज द कलर ऑफ टेराकोटा सॉइल, रेड कलर। व्हाट इज द कलर ऑफ द शैडो सॉइल, दैट इज द व्हाइटिश इन कलर। देखो यहाँ पर क्वेश्चन कैसे बन रहे हैं। देन विच कलर सॉइल इज रेड इन कलर, टेराकोटा सॉइल, उल्टा क्वेश्चन, ऐसे भी ऐसे। तो आप लोगों को पॉइंट जो है उसे याद रखना है, तो कैसे भी करके घुमाओ क्वेश्चन को हम आसानी से आंसर दे सकते हैं। ओके, मुल्तानी सॉइल, मुल्तानी मिट्टी जो होती है जो कॉस्मेटिक बनते हैं, मतलब मेकअप के लिए या ऐसे फेस के लिए जो पैक बनते हैं उसमें मुल्तानी मिट्टी इस्तेमाल की जाती है। तो दिस सॉइल इज यूज इन कॉस्मेटिक, कॉस्मेटिक मतलब क्या होता है, जो मेकअप के लिए यूज करते हैं। आपके मम्मी से पूछो, पता होगा, दीदी है बड़ी तो उससे पूछो ना, उनको पता होगा इसके बारे में, और अगर घर पे है तो देख लेना हाथ में लेकर। डू यू नो द चाइना क्ले इज एन इंडस्ट्रियल मिनरल्स ऑफ द टाइप ऑफ कोलिनाइट, इट इज फाउंड इन द चाइना एंड हेंस कॉल्ड द चाइना क्ले। तो ये चाइना में मिलती है इसीलिए उसे चाइना क्ले कहते हैं। द अपॉन हीटिंग This soil requires a glass and the hardness and therefore is used for making crockery. मतलब उसे गर्मी के उसे अगर जब हीट किया जाता है तो वो हार्ड बनती है, ठीक है, therefore इसे हम यूज करते हैं क्रॉकरी बनाने के लिए, और वो शाइन भी करती है, ठीक है। देन सॉइल टेस्टिंग, अभी सॉइल जो होता है उसे भी टेस्ट किया जाता है, कौन सा सॉइल अच्छा है, कौन सा सॉइल फर्टाइल है, चेक किया जाता है। द प्रोपोर्शन ऑफ द वेरियस इंग्रेडिएंट्स ऑफ सॉइल कैन बी डिटरमाइंड बाय सॉइल टेस्टिंग। सो सॉइल टेस्ट करने के बाद उसमें कौन से इंग्रेडिएंट है ये हमें पता चलता है। ड्यूरिंग द सॉइल टेस्टिंग द सॉइल इज एग्जामिन्ड फॉर कलर, टेक्सचर एंड द प्रोपोर्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन इट। तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, तो मैं यहाँ पर ये लिख देती हूँ अंडरलाइन करके। The soil proportion of the organic matter in it, the soil is tested to find out if there is a deficiency of any ingredients and to decide what measures should be taken to remove the deficiency. तो उसमें कोई मतलब जो जरूरत नहीं है ऐसी चीज है तो उसे कैसे निकालना है, क्या करना है, ये सब सोचा जाता है फिर। Then the soil samples collected for testing is dried in an open space इन द शेड ऑफ 8 to 10 days। तो ईयर बोलने वाली थी, इतना साल का हो गया तो सॉइल क्या हो जाएगी, पूरी कड़क हो जाएगी सूख कर। तो यहाँ पर देखो 7 days दिया है, 8 to 10 days दिया हुआ है। तो 8 to 10 days के लिए उसे क्या किया जाता है, उसे छाव में रख कर सुखाया जाता है, और उसके बाद उसे टेस्टिंग के लिए भेजा जाता है। इट इज देन शिफ्टेड थ्रू द सीव। तो उसे सीव मतलब क्या करते हैं, छन्नी से उसे छानते हैं। ओके, और छन्नी से छान कर हो गया है, उसके बाद क्या करेंगे, टू टेस्ट नेमली द पीएच एंड द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी टेस्ट। मतलब एक पीएच टेस्ट है और एक दूसरा है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो ये टू टेस्ट है, इम्पोर्टेंट टेस्ट, आर पर्टिकुलरली यूजफुल इन फाइंडिंग आउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉइल। यू कैन डिटरमाइन द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल इन योर फील्ड्स विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट टेस्ट। तो ये सॉइल का जो फर्टिलिटी या लेवल चेक करना है तो ये हम डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट से चेक करके भी देख सकते हैं। देन नेक्स्ट वी हैव द कॉजेज ऑफ द डिमिनिश्ड सॉइल फर्टिलिटी। द फर्स्ट कितने पॉइंट दिए हैं यहाँ पे, 6 पॉइंट दिए हैं।
द सॉइल पी एच लेस देन 6 और हायर देन 8. देन लो प्रोपोर्शंस ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर, नो प्रॉपर ड्रेनेज ऑफ वॉटर. देन द रिपीटेड कल्टिवेशंस ऑफ द सेम क्रॉप, बार बार एक ही क्रॉप उसी सॉइल में अगर कल्टिवेट करते हैं, उगाते हैं, तो उससे भी सॉइल का जो है फर्टिलिटी पूरा खत्म हो जाता है. और फिर बाद में जो क्रॉप फिर से सो करोगे तो वो अच्छे से आते नहीं है. कंटिन्यूस यूज ऑफ सैलिन वाटर, और उसके ऊपर बार बार अगर सैलिन वाटर मतलब जो जिसमें सॉल्टीनेस है ऐसा पानी उसमें डालेंगे, जैसे समुन्द्र का पानी है ऐसा पानी अगर यूज करते हैं, फिर भी वो सॉइल की जो फर्टिलिटी है खराब हो जाती है, डिमिनिश्ड हो जाती है, मतलब वो खराब हो जाती है. देन एक्सेसिव यूज ऑफ द केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड द पेस्टिसाइड्स, और बहुत ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स डालेंगे जल्दी जल्दी बढ़ने के लिए, बार बार केमिकल डालेंगे तो क्या हो जाएगा, मिट्टी पूरी क्या हो जाएगी, केमिकल से भर जाएगी, और बाद में उसमें जो भी प्लांट आप शो करोगे वो बढ़ेंगे नहीं. और पेस्टिसाइड्स भी जो होते हैं, कीड़े होते हैं या वर्म्स होते हैं, उसके लिए वर्मिसाइड में, तो ये सब ज़्यादा यूज नहीं करना है. इसीलिए आजकल तो क्या हो रहा है, ऑर्गेनिक जो सब चीज़ें मिलती है वो ज़्यादा डिमांड में है, क्योंकि ऐसे कहा जाता है कि जो ऑर्गेनिक चीज़ें बनती है उसके ऊपर कोई केमिकल नहीं है, कोई फर्टिलाइजर यूज नहीं होता है, वो नेचुरली ग्रोथ किए जाते हैं. और लोगों को ऐसे लगता है कि नहीं बहुत अच्छा है, नेचुरली हो रहा है तो हमारे लिए हेल्थ के लिए अच्छा है, तो लोग डबल पैसा देकर भी, दुगना दाम देकर भी लेने के लिए रेडी हो जाते हैं. ठीक है, सो नाउ नेक्स्ट वी हैव, देखो वर्ल्ड सॉइल डे कब है, 5th December, तो ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है. व्हेन इज द वर्ल्ड सॉइल डे, ऑन 5th December. टू मेक एफर्ट्स फॉर द कंजर्वेशन ऑफ सॉइल, ओके. और 5th December को तो ये हो गया, लेकिन 5th September को क्या होता है, टीचर्स डे. यस, टीचर्स का डे होता है, ओके. चलो नाउ नेक्स्ट वी हैव हियर द ग्रेट साइंटिस्ट, द डेनिश साइंटिस्ट सोरेनसेन पुट फोर्थ द कॉन्सेप्ट ऑफ पीएच बेस्ड ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन आयन्स टू डिटरमाइन द पीएच ऑफ सॉइल और मिक्सचर्स ऑफ वाटर एंड सॉइल इन द प्रोपोर्शन ऑफ 1:2 is taken and tested using several indicators. Accordingly, soil may be found to be one of the following 3 types: acidic soil, neutral soil and alkaline soil. तो उसका देखो pH test क्या दिया है, pH less than 6.5. तो pH क्या होना नहीं चाहिए, the soil pH less than 6 and higher than 8, मतलब less than 6 नहीं होना चाहिए ना higher than 8 होना चाहिए. तो here we have pH less than 6.5. then neutral में क्या दिया है, 6.5 to 7, तो ये perfect है. और यहाँ पर alkaline soil देखो pH higher than 7.5, तो 7.5 तक ठीक है, लेकिन उससे आगे अगर जाएगा 8 के आगे तो that is not good for us. Okay, तो always remember, तो यहाँ पे बहुत important point दिया है, the soil texture is distributed if the chemical fertilizers are used excessively and that land becomes the unsuitable for sowing. Sowing मतलब उसके अंदर बीज डालने के लिए. The crop should be rotated in order to maintain the fertility of the land. For example, the fertility of the land decreases after a harvesting of wheat. मतलब गेहूं बार बार अगर गेहूं डालोगे तो वो जगह पे क्या हो गया, फर्टिलिटी पूरी खत्म हो जाएगी उसकी. हैंस द लेगेमिनियस क्रॉप्स, मतलब जो होते हैं ना पीनट्स वगैरह मिलते हैं, तो उसके क्रॉप्स हमें फिर बाद में लगाने चाहिए, लाइक पीनट्स, मूंग, मौथ बीन, पी, लेंटिल, बंगाल ग्राम, सोयाबीन शुड बी कल्टिवेटेड टू रिस्टोर द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल. तो ये भी एक तरीका है फर्टिलिटी को स्टोर करके रखने का, कि एक बार एक प्रोडक्ट आप अगर एक तरह का वहाँ पे कल्टीवेशन कर रहे हो तो नेक्स्ट टाइम पे दूसरा करो, फिर तीसरा करो, मतलब अलग अलग आप रखोगे कल्टीवेशन, तो वो सॉइल की फर्टिलिटी जो है वो वहीं पर बरकरार रहेगी. दैट विल रिमेन एज इट इज, इट विल रिमेन कॉन्स्टेंट. ओके, सो आई हैव कम्प्लीटेड द होल लेसन, पूरा हो गया है, थर्ड लेक्चर भी खत्म हो गया है. अब नेक्स्ट हम करेंगे जिसमें हम क्वेश्चन आंसर सारे करने वाले हैं, तो पूरे आंसर्स में आप लोगों को डिटेल में एक्सप्लेन करके
आंसर भी देने वाली हूँ। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी अगर मेरे पास है तो वो भी आप लोगों को मैं दे देती हूँ। तो आप अच्छे से स्टडी करते रहना, बस आप लोग अच्छा स्टडी करो, दैट इज माई मेन इंटेंशन। मुझे एक ही चाहिए कि बच्चे अच्छा स्टडी करें और आगे बढ़े, बस। तो इसीलिए आप लोग देखो, और कोई दूसरे सब्जेक्ट आप लोगों को करने हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाओ और सेवेंथ स्टैंडर्ड के सेक्शन में देखो, अलग अलग सब्जेक्ट का मैंने अलग अलग सेक्शन बनाया है सेवेंथ स्टैंडर्ड का, तो वहाँ पर आप देख लो, ठीक है। एंड वन मोर थिंग आई वॉन्ट टू टेल यू, एक बात है कि मेरा और एक चैनल है, दैट इज राजेश किचन एंड मैनी मोर। तो उसमें मैं कुकिंग के बहुत सारे रेसिपीज शेयर कर रही हूँ। तो आप लोगों को तो कुकिंग अच्छी लगती होगी या नहीं लगती होगी, मे बी आई डोंट नो, लेकिन अगर आप चाहो तो मुझे सपोर्ट करने के लिए वो चैनल का लिंक मैं दे रही हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, एक बार वो लिंक पर जाओ और उसे शेयर करो और प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करो, ठीक है। थैंक यू।